दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ लीगल इंग्लिश के बारे में कि लीगल इंग्लिश में आपका पेपर कैसा आएगा, आपको कैसे करना है और क्या क्या इसमें मोस्ट चीज़ें, मतलब मोस्ट कौन कौन से क्वेश्चन आपको करेंगे तो थोड़ा ईजी रहेगा, तो यह सभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई इश्यू आता है तो वीडियो ख़त्म होने के बाद में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो पेपर देख रहे हैं ये अन्य विश्वविद्यालय का है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो इंग्लिश का पेपर होता है आपका लीगल इंग्लिश का, उसकी आपको पता है कि पढ़ाई है वो बहुत ही कम कॉलेजों में करवाते हैं। बस आपको बाबेल सीरीज से पढ़ना होता है, खुद से पढ़ो, खुद से ही आप एग्ज़ाम दो, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे इस पेपर में दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपका पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 करने हैं। अभी तक यही गाइडलाइन है, अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय से कोई अपडेट नहीं है कि आपको 10 में से 2.5 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन जो आपकी तैयारी है वो आप 10% के हिसाब से रखिए। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो दोस्तों पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इलीगल टर्म इन इंग्लिश। ये आपको यहाँ पे 10 दी हुई है, लीगल टर्म्स दी हुई है जिसमें आपको 5 आपको करनी है। कैसे करनी है मैं आपको आगे बताऊँगा, फिलहाल मैं आपको पेपर बता रहा हूँ कि ऐसा पेपर आएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेटिन मैक्सिमम्स इंग्लिश में आपको लिखना है, ठीक है। ये देखिए, इनमें से आपको सभी करनी है। यहाँ पे इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, इसमें आपको सभी करनी है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आता है, वो आता है सबटेंशन, गिव वन वर्ड सबटेंशन और एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपको कोई भी 10 करनी है। यहाँ पे देखिए काफ़ी यहाँ पे नीचे दी हुई है, बस आपको 10 बतानी है, वन वर्ड निकालना है। ये जो दिया हुआ है ना इसका एक वन वर्ड आपको निकालना है बाहर, वो बताऊंगा मैं आपको आपको कैसे करना है। उसके बाद में यहाँ पे ये है पेयर वर्ड, ये आपको दिया हुआ होगा, इसका आपको पेयर वर्ड बनाना है। कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद में पेसेज आएगा, ये तो आपको पता होगा कि ये जो दिया हुआ है इसका ट्रांसलेट करना आपको हिंदी में, इंग्लिश में दिया हुआ आपको हिंदी में बताना है ये इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके बाद में छठा क्वेश्चन आपका आएगा लेटर के बारे में, तो आप कोई भी लेटर है वो देख लीजिए आपकी बाबेल से, अभी वही ट्रेडिंग है आपको पता है, बाबेल अभी नहीं और आ रही है पार्थ की सीरीज, उसमें से देख लीजिए। सातवां क्वेश्चन आपका आएगा, आपको 500 वर्ड ऐसे लिखना है, ठीक है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन दे दिया तो इसमें आपको 5 पेज लिखने होंगे, 500 वर्ड आपको लिखने हैं, ठीक है। 5 बहुत होते हैं क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा ना। इसके बाद में आठवां आता है, ये पैसेज है, ठीक है, पैसेज ही है। इसमें से क्या है, आपको सबसे पहले सब टाइटल लिखना होता है इसका, जो इसमें दिया हुआ है इसका मेन टॉपिक क्या है वो आपको लिखना है। उसके बाद में पॉइंट वाइज आप बता सकते हो, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ बाबेल सीरीज से। उसके बाद में नवा क्वेश्चन आता है, ये नोटिस के बारे में है, नोटिस भी आप एक याद कर लेना। और दसवा क्वेश्चन आता है, वो आता है ये आपको हिंदी में या इंग्लिश में दिया हुआ होगा, इसको आपको जैसे इसमें हिंदी में दिया हुआ है 20 नंबर का आएगा तो इसको आपको इंग्लिश में लिखना है, अगर इंग्लिश में आता है तो आपको हिंदी में लिखना है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास में यहाँ पे बसंती लाल बाबेल जी की लास्ट सीरीज है, इसमें लीगल लैंग्वेज राइटिंग एंड लीगल इंग्लिश, सॉरी जनरल इंग्लिश। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपको लीगल टर्म लिखने हैं, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक पीडीएफ बना रखी है अलग से जिसमें सारे मोस्ट लगाए हुए हैं कि 2019 में कौन सा आया था, 2016 में कौन सा आया था, तो ये अगर आप पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से इनमें से आ जाएगा एक या दो, मतलब 10 अगर 20 आते हैं तो 10 पूछते हैं तो आप इसमें से आराम से कर पाओगे क्योंकि इन्हीं में से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे रिस्पोंडेंट है ये भी पता आया हुआ है, अल्ट्रा वायरस है, अधिकारिकता,
उसके बाद में ये देखिए वॉइडेबल है, सुनने करनी है, जजमेंट निर्णय। तो ये चीज़ें आपको मैं बता दूंगा, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप मेरे को टेलीग्राम पे जाके फॉलो कीजिए, अशोक जाएंगे LLB के नाम से तो ऊपर आएगा, उसको आप फॉलो कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों लीगल टर्म्स आपको करने कैसे होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है इसमें अधिनियम, एक्ट यानी अधिनियम। तो ये बताना है कि इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि एक्ट ये क्या है। तो यहाँ पे लिखना है कि ए लॉ मेड बाय ए लेजिस्टर। तो यहाँ पे ये आपको लिखना है, मतलब कि इसमें बताना है आपको लीगल टर्म लिखना है कि एक्ट क्या है, लॉ की भाषा में आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद देखिए एफिडेविट आ गया, शपथ पत्र है, तो ये आपको इसमें बताना पड़ेगा। ये देखिए आगे यहाँ पे ये कुछ लगाए हुए हैं मेरे, यहाँ पे देखिए रीअपील है, तो निरसन ये क्या होता है, तो इसके बारे में देखिए इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए संविधि कानून अल्ट्रा वायरस है। उसके बाद देखिए देवीय बल सुपीरियर फोर्स, ठीक है, मतलब लीगल की भाषा में आपको बताना है। तो मैं आपको दे दूंगा PDF मेरे यहाँ पे लगाए हुए हैं मोस्ट क्वेश्चन, तो वो आप देख लेना, सभी आपके एग्ज़ाम में आएंगे और कन्फर्म आएंगे। उसके बाद में दोस्तों देखिए अगला, ये भी यहाँ पे लेटिन लीगल ट्रिम हो गए। अब हम बात करते हैं लेटिन मैगजीन्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इनको कैसे करना होगा एग्ज़ाम में। ये देखिए दोस्तों इसमें सब कुछ दिया हुआ है, लगाया हुआ है 2017 में, 18 में, 16 में, तो ये पढ़ लेना। मैं आपको PDF दे दूँगा, टेलीग्राम में दूँगा, क्योंकि PDF आपको बताया यहाँ पर मैं नहीं डाल सकता, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये आता है अभिनेटो, ठीक है, अररम से, मतलब ये आपको देखिए इसमें से फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ओरडी अल्टरम पार्ट, दूसरे पक्ष को भी सुनो, तो इसमें देखिए है The other side, मतलब दूसरे पक्ष को सुनो। आपको इसको अपने शब्दों में दोस्तों इसमें दिया हुआ है वो आपको लिखना होगा, जैसे इसमें क्रेता सावधान का जो आपका नेम भी है आपको पता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, क्रेता की सावधान या फिर क्रेता सावधान रहे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेमनम साइन इंजूरिया, ये दोस्तों आपको पता है लीगल भाषा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है डैमेज विदाउट इंजरी, ये नॉर्मल लैंग्वेज में है, बिना हानि के क्षति। उसके बाद नीचे देखिए विधिवत इन लॉ, ये इन लॉ लिखा हुआ है, ये नॉर्मल इंग्लिश है और जो ये लीगल की भाषा है, तो आपको इतना फर्क देखना है और लिखना होगा, ठीक है। मैं आपको PDF दे दूंगा दोस्तों, उसमें आप देख लेना और वही आप रट लेना, एग्जाम में 100% आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये पेयर्स वर्ड आ गए, तो इनमें से देखिए इफेक्ट वाला है, इफेक्ट इसको कैसे करना है, यहाँ पे देखिए नीचे ये देखिए दोनों को अलग अलग बताना है। जैसे इफेक्ट का है तो इसमें देखिए टू इन्फ्लुएंस टेस्ट द फीलिंग्स, असर करना, इफेक्ट और इफेक्ट में फ़र्क है, ये दोनों आपको अलग अलग लिखना है। इफेक्ट नीचे देखिए ये इसका होता है असर या प्रभाव, ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ ए कोर्स। उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक बताया था आपको गिव वन वर्ड ऑफ द होलोविंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड, तो देखिए एक ही आपको दिया हुआ मिल जाएगा, जैसे ए रेमेडी फॉर ऑल इल्स, ये दिया हुआ इसका वन वर्ड आपको लिखाना है कि इसका अर्थ क्या होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए नीचे ये है सही स्पेलिंग क्या होगी, जैसे यहाँ पे ये अबेडमेंट है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही कैसे लिखते हैं वो आएगा। तो यहाँ पे 10 आएंगे जिनमें से 5 पूछेंगे, तो ये भी मेरे यहाँ पे लगाए हुए हैं काफ़ी, जो अब कि सही हैं, कौन से एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो मेरे लगाए हुए हैं, इनमें से आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है करेक्ट द होलोविंग साइंटेंस, जैसे गलत लिखा हुआ होगा उसका सही क्या होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर PDF हो चुकी है ख़त्म। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक दिया जाएगा आपको,
जैसे एस से आता है वैसे एक टॉपिक आएगा, जैसे आपको दे दिया फंडामेंटल राइट के बारे में, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि फंडामेंटल राइट है वो क्या है, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, इसका इसका मूल अधिकार होते हैं, इसका क्या हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको करने कौन कौन से एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो कि कौन कौन से पढ़ के जाएँ कि वो हम जाते हैं हमारा काम हो जाए, मतलब हम जाते वहाँ पर कुछ लिख सकें, काम हो जाए, मतलब वहाँ पे हम जाएँ एग्ज़ाम में तो हमारा जाते ही वहाँ पे काम हो जाए, हम हमें आ रहा है तो हम वहाँ पे लिख देंगे, नहीं आ रहा तो बैठे रहेंगे ढाई घंटे, आप जो भी 3 घंटे वो ऐसे निकल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो मैंने आपको बताया था, मैंने नहीं किए थे एग्ज़ाम में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि सही है तो आप यही कीजिए। ये देखिए लीगल टर्म से ही आपको करने होंगे, मैं यहाँ पे PDF दे दूँगा, उनमें देख लेना, वही वो आप पढ़ लेना, एग्ज़ाम में आ जाएंगे। ठीक है, एक तो आपको ये क्वेश्चन लिख करना है, इसको आप रट लो। दूसरा, जो इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में करने वाला होता है वो आप देख लेना एक बार, लिख लिख के ऐसे कर लेना ट्राई कि हाँ हम कर देंगे। अगला है वो है ऐसे, और एक है टॉपिक। ठीक है, ऐसे अलग है, टॉपिक अलग है, ऐसे और टॉपिक सेम सेम से हैं। ठीक है, वैसे अलग अलग है, जैसे निबंध आप बोलते हो, निबंध आपको लिखना है, जैसे फंडामेंटल राइट के बारे में आ गया या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में आ गया, उसको आपको डिफाइन करना है 500 वर्ड जितने भी उसमें दिए होते हैं, ये आप एक याद कर लेना। एक दोस्तों पैसेज आता है, पैराग्राफ आप बोलते हैं पैसेज, जिसमें से वो उसमें दिया हुआ होता है, और क्वेश्चन आपको उसमें नीचे दिए होते हैं 4 या 5 क्वेश्चन, उसमें देख देख के आपको करने होते हैं, वो आपको आराम से आप कर लोगे। तो अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 5 आराम से आप कर पाओगे, 2.5 आते हैं तो आपको पता है कि पैसेज एक कर देना एक तो, और एक ऐसे या फिर आपका जो टॉपिक है वो कर देना, तो आपके आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे और आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, और आप तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब वीडियो काफ़ी बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि मैंने काफ़ी बड़े बड़े वीडियो टाइम पर डाल दिए। अगला जो है वो मैं 1 या 2 दिन में डाल दूँगा, जो आपका पेपर है, यह आपका 7th पेपर है एड, उसके बाद में 9th पेपर, 9th पेपर आपका मोट कोट वाला है, और अगला इससे जस्ट इंग्लिश के बाद में आपका लीगल हिस्ट्री का पेपर होगा। तो ये दोस्तों मैं PDF में आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, आज शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना, और ये वीडियो मैं जस्ट अभी डाल रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे तो मेरे को आप मैसेज करना कि सर समझ में नहीं आया, मैं जितना चाहा उतना आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, और वीडियो को 2-3 बार देखना और समझ जाओगे आप इन्हें मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और शेयर कर दीजिए सभी के पास में जो भी ALU से लॉक कर रहे हैं। ठीक है, सभी के पास में शेयर कर दीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए अशोक जांगिड LLB के नाम से, वहाँ पर हम डेली एक्टिव रहते हैं और लीगल पोस्ट वहाँ पर हम करते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।